देखो जहाँ पे भी जाओ इंडिया नानी करी जाम तो लगता है, मैं तो अपनी कमर सीधी कर लूँ। तो गाइस टॉप टू बॉटम ट्रैफिक भी तो बहुत है ना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू डे, न्यू व्लॉग एंड एवरीथिंग न्यू। तो गाइज नया दिन स्टार्ट हो चुका है, आज हम फाइनली रेडी हो चुके हैं पूरे टॉप टू बॉटम। अभी आपको शीशे में दिखाएंगे, हम जा रहे हैं पानीपत मासी के घर, क्योंकि वहाँ मेरे कज़न भाई का तो न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, उसको देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे, और उसके थोड़े गिफ्ट्स वगैरह लिए, और रास्ते में जो भी खाने वाला सबको दिखाएंगे। हम जा रहे हैं अपनी फूफी साथ, बड़ी फूफी और मामा है हमारे चिंका मामा, वो गाड़ी लेके नीचे बैठे हुए हैं, मतलब बाहर आ चुके हैं, नीचे बैठे हैं नानी के पास। तो उसके बाद देखते हैं और क्या प्लान होगा, तो अब मिलते हैं। तो गाइस टॉप टू बॉटम रेडी, और ये फूफी रेडी हो चुकी है। रेडी नहीं हुई अभी तो होना है। अच्छा, वो कह रही है वैसे भी रात को पहुंचना है, तो ज्यादा किसी को देखेगा है नहीं कोई, मतलब दिखेगा है नहीं किसी को रात को, तो ढंग से रेडी क्या ही हो ना, कल और ज्यादा अच्छे से रेडी होंगे, अभी ये टाइम पास था। अभी अभी हमको पता लगा हमारी फूफी जो कल गई नहीं हुई थी फूफा साथ, ये गिफ्ट लेके आई हुई है। वैसे है क्या ये, हैं देख लो, ये देखो ये गिफ्ट लेके आए, नहीं नहीं पता गिफ्ट क्या है और बस रहे हैं हमें क्या पता क्या, हमें अच्छा लगा मुझे। चलो वहीं जाके दिखाएंगे, मतलब देखेंगे, खोल के दिखाएंगे आपको। हाँ वहां जाके खोल के ओपन ओपन क्या क्या हंस रही है, इसको वहीं ओपन करेंगे और आपको बच्चा बिठा के दिखाएंगे हमारा बेबी। चलो ठीक, ओके बाय। ये देखो इनकी तारीफें चल रही हैं। हेलो हाउ आर यू, ये छतरी पता किस लिए है, बारिश ना हो जाए, धूप से बचने के लिए। अब घर से निकल गए हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, 2 घंटे बाद। ये रही हमारी नानी जी, बड़ी फूफी, और ये इनके भाई फूफी के फूफी के ने, हाँ फूफी के भाई दिल्ली का जाम यहाँ पे भी मिल गया, जहाँ जाओ दिल्ली का जाम सही सारे खा। 2 डब्बे से ये देखो कृष्ण और राधा जी की मूर्ति, और साथ ही कूड़े का ढेर और यहीं पे कूड़े का ढेर है पूरा, मतलब तो पत्तियों के पीछे छुप गया। अभी ये टेम्पो हटता है तो दिखाता हूँ, मैंने तो सोचा नहीं था यहाँ को लॉक मारने को, इन्होंने आइडिया दिया मेरे को, ये तो छुप ही गया पेड़ के पीछे। अभी आएगा बहुत ढेर है यहाँ पर, कूड़ा ही कूड़ा, एक ही छतरी है जो धूप से बचा रही है बस। वो रहा ये सारा दिल्ली का कूड़ा आता है यहाँ पे, कई टैंकर भाई साहब, भाई ये सारा कूड़े का, और यहाँ पे अपने आप आग भी लग जाती है गर्मी के कारण, वेस्ट मटेरियल, और इसके सामने फिर से जाम, पता नहीं जाम कब तक मिलेगा। गैस, गैस। और यहाँ पे पीछे चर्चा हो रही है गैस, नानी जी को फुल पता है, बताओ आप बताओ क्या 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 है यहाँ पे क्या है ये चीज। और ये जो आप सामने गुरुद्वारा देख रहे हो ना, यहाँ पे गुरु साहिब को कैद करके लाहौर लेके गए थे, ग्वालियर यहीं से लेके गए थे, तो यहाँ पे एक गुरुद्वारा बन गया और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बट अभी तो हमको कहीं और जाना था, जा नहीं पा रहे, बट फिर कभी, ये तो बस आ गई, वरना फिर कभी यहाँ पे ज़रूर विजिट करेंगे। देखो जहाँ पे भी जाओ इंडिया, यार एक तो इनके साथ ना व्लॉग नहीं बन सकता, पहले आप बातें कर लो। ये देखो ये हमारा इंडिया फ्लैग, और ऐसी खाली रोड दिल्ली के अलावा कहीं देख के ना मज़ा सा आ जाता है, क्योंकि दिल्ली में तो दिखती नहीं, उसके बाहर ही देखनी पड़ेगी। ये दिल्ली है, ओए मतलब दिल्ली में ऐसी रोड देख के ना सरप्राइज, या सरप्राइज सा हो जाते हैं, मतलब देखिए बहुत कम दिखती है ना खाली रोड दिल्ली में, तो बस वो देख के हैरानी सी हो जाती है बस। गाइस ये देखो ये इंडिया का झंडा एक और, और उसके साथ ये जो टंकी दिख रही है ना आपको ये सामने, ये वाली, ये 100, अभी भी मेरे को इन्होंने बताया कि 100 साल पुरानी टंकी है, और कभी भी गिर सकती है आप बनाओ वो कभी भी गिर सकती है इतनी देर कोई बोलने नहीं दे रहे बातें कर रहे हैं पीछे दोनों, आप दिखाओ। और ये देखो ये टंकी, ये 100 साल पुरानी, कभी भी गिर जाएगी, मतलब 100 साल हो गए हैं तो कुछ भरोसा तो है नहीं, मटेरियल ख़राब भी हो जाएगा, तो 100 साल पुरानी टंकी है यहाँ पे, अभी भी पता लगा मैंने। और ये एक और हमको भी पता लगा, ये जो शनि मंदिर है ना काफ़ी ज़्यादा पुराना शनि मंदिर है ऐसा कुछ, और लेफ्ट में ग्रीनरी, वहाँ से सन, लेकिन सन से बचा रही है छतरी, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब भूख से लग गई है, तो अब जाएंगे सुखदेव और वहाँ से खाएंगे परांठे। अब आपको वही
वहीं मिलेंगे सीधा। भाई दिल्ली ने अपने आखिरी दम तक जाम छोड़ा नहीं है, इतना ज़्यादा जाम, और अब यहाँ पे फंस गए हैं पिछले आधे घंटे से। लेकिन ये छतरी को देख के ना बड़ा बढ़िया सा लग रहा है, कितनी बढ़िया सी छतरी है ना, मतलब धूप बारिश सबसे बचा लेगी हमें, और ये जाम पता नहीं कब खत्म होगा। जाम से तो ना बचा भाई यार, जाम से भी बचाए ना फिर माने, छतरी अब जाम से नहीं बचा पाएगी। हमारे मामा ने बताया अगर जाम से बचना ना छतरी को आंखों के सामने रख लो, जाम भी नहीं नजर आएगा, और फिर ये छतरी जाम को हटाने में मदद कर देगी। नानी कह रही जाम तो लगता है, मैं तो अपनी कमर सीधी कर लूं। आराम कर रहे हो? क्यों? पानी पे तो लंबा रास्ता है ना। फिर ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं? नाइस, लेकिन जाम खत्म नहीं होगा। यहाँ पे शुरू हो गई हमारी पार्टी, हरियाणा भी स्टार्ट हो चुका और जाम भी हो गया खत्म। लेकिन अभी बहुत ज्यादा पोपट हो चुका है, मूर्सल जाना हो गया कैंसिल, और पापा तो घर पे ही है, बट जो चाबी है वो हमारे पास रह गई, अब उनके पास चाबी नहीं है तो अब वो जाए तो जाएगा। पहले तो हमने सोचा कि हम यहाँ से यू टर्न लेके वापस चले जाते क्योंकि इतना आगे तो आए नहीं थे, बट अब उन्होंने बोला कि हम मासी के घर जा रहा हूँ मैं, रात को मामा वहाँ रुकेंगे नहीं तो वापस ही आ रहे थे, तो चाबी लेते हुए इनके साथ वापस भेज देना, ये मेरे को चाबी दे देंगे और मैं वापस घर चले जाऊँगा। तो इसलिए मूर्सल कैंसिल, वहाँ पर हो गया पोपट, और 10 बजे तक मासी घर रहेंगे, वहाँ पर खाना खा लेंगे और फिर उसके बाद घर जाएंगे। हाँ साली मतलब वापस पापा की साली मतलब मेरी मासी, तो अब वहीं पर रुकना पड़ेगा उन्हें, और सुखदेव कैंसिल, अब सीधा मासी के घर जाके कुछ खाएंगे, वरना यहाँ पे लेट हो जाएंगे और उन्हें चाबी देने में और ज़्यादा लेट हो जाएगा और रात को नींद पूरी नहीं होगी। ये अमृत सुखदेव, पहले यहाँ पे रुकने का प्लान था, अब यहाँ रुकना नहीं तो बाय बाय, इसको बाय बाय बोल के हम अपनी जर्नी पे निकलते हैं। अभी ना हमारी जान पहचान देखना, बिना टोल दिए निकल जाएंगे एकदम आराम से, ये हमारी फूफी की जान पहचान है, देखना ये ऐसे रुके हुए हैं, ये देखो अपने आप निकल गए, इनकी गाड़ी रोकता ही नहीं है कोई, शक्ल देखी और रोकना ही नहीं, नाम चलता। वैसे मजाक कर रहा हूँ, फास्ट ट्रैक चलता है ये फास्ट ट्रैक चलता है इनके लिए वैसे तो देना ही पड़ता ना हमें भी। सनसेट देखो कितना ही बढ़िया लग रहा है देखने में, अलग ही शाइन आ रही है, मतलब गर्मी कम कर दी बट देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा लग रहा है। गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू टुमारो विद अनदर वीडियो। तो अगर अभी और व्लॉग बनाए तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और वहाँ पे जाके कंटिन्यू करेंगे और जो भी होगा वो दिखाएंगे, अभी कुछ खाना हुआ तो रुकेंगे वरना नहीं रुकेंगे। तो ये देखो ये है हमारी फूफी, पूरी थक चुकी हैं और इन्हें अपने पति जी की बहुत टेंशन हो रही है, मतलब पापा की, कि उनके पास चाबी नहीं और वो बैठेंगे कहाँ पे, तो इसलिए सर पकड़ा हुआ है, बट कुछ ना कुछ हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं। और ये नानी जी, बड़ी फूफी, ये फूफी, और ये फूफी का भैया मामा जी बोल, और मतलब मामा जी से पिताजी बोला वैसे ही इनके पति बोल दिया। तो बस गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू टुमारो विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो, ब्रांड न्यू डे एंड ब्रांड न्यू व्लॉग। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय 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 बाय। तो जाने से पहले एक बार आप भी बाय बोल दो, बाय बाय, आप भी बोल दो।